सालों पहले सुंदर नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत में काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी से मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल पड़ा और उसने पूरी मेहनत से जमींदार के खेत में काम करना शुरू कर दिया। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन ने मन में सोचा कि आखिर क्या है यहाँ पर। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदना शुरू कर दिया और वहां से एक बहुत बड़ा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया और बोलने लगा, हे भगवान, अगर मुझे कुछ देना ही था तो इस पतीले में कम से कम थोड़ा सोना चांदी या कोई हीरे जवाहरात ही दे देता, जिससे मेरी गरीबी तो दूर होती और मेरे घर की हालत सुधर जाती। इस खाली पतीले का मैं क्या करूंगा। किशन को काम करते करते बहुत भूख भी लग गई थी। बहुत भूख भी लगी है, चलो पहले कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर से काम शुरू करूंगा। किशन ने खाना खाने के लिए अपनी कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। खाना खत्म होने के बाद किशन अपनी कुदाल को वापस काम करने के लिए वहां से लेने आया तो आश्चर्य में पड़ गया। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले में जिसमें उसने अपनी कुदाल रखी थी, वहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखे एक ईंट के टुकड़े को उस पतीले में डाल दिया तो देखा कि तुरंत ही वो एक पत्थर का टुकड़ा भी कई सारे पत्थरों में बदल गया। अब धीरे धीरे किशन को कुछ बात समझ में आने लगी। वह समझ गया कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, यह एक जादुई पतीला है जिसमें अगर किसी भी वस्तु को डाला जाएगा तो वो कई गुना हो जाएगी। उसे देखकर किशन बहुत खुश हो गया और जादुई पतीले को अपने साथ लेकर घर आ गया और आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे अरे देखो मैं ये क्या लाया हूँ। उस बड़ी से पतीले को देखकर उसकी पत्नी ने मुंह बना लिया और बोली, हे राम, ये इतना बड़ा बर्तन कहाँ से उठा लाए? हमारे पास इतना अनाज भी होता है जो इतने बड़े पतीले में पकेगा? कोई छोटा पतीला होता तो और नहीं तो खाना बनाने के ही काम आ जाता। किशन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे ये कोई मामूली पतीला नहीं है, यह एक जादुई पतीला है। जादुई पतीला? हाँ हाँ, जादुई पतीला। देखो इसमें अगर कोई भी चीज हम डालेंगे तो वह कई गुना होकर बाहर आएगी। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। किशन ने जल्दी से अपने पास से एक सिक्का निकाला और उस पतीले में डाल दिया। जैसे ही किशन ने वो सिक्का पतीले में डाला, वह कई सारे सिक्कों में बदल गया। अब तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई। अब हर दिन किशन उस जादुई पतीले में कुछ ना कुछ डालता, उसे कई गुना करता और बाजार में बेच आता और इस तरीके से उनकी गरीबी कुछ ही दिनों में दूर होने लगी और उनके हालात सुधरने लगे। किशन ने इस तरीके से बहुत पैसा कमाया, अपने पिता का अच्छा इलाज कराया। फिर एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया और देखते ही देखते वो गहने कई गुना गहनों में बदल गए।
अब किशन ने जमींदार के खेत पर काम करने जाना भी कम कर दिया था और उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही थी। यह सब देखकर जमींदार को किशन पर कुछ शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंच गया। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, अरे किशन, तुझे ये पतीला कब और कहां मिला? कहां से चुराया है इसे? डरी हुई आवाज में किशन बोला, ये पतीला मैंने कहीं से चुराया नहीं है, यह मुझे काम करते हुए खेत में से मिला था। खेत में से मिला था? इसका मतलब यह तुझे मेरी जमीन में से मिला है, तो इस जादुई पतीले पर तेरा नहीं बल्कि मेरा हक है। चल इसे जल्दी से यहां ला और मेरे घर पहुंचा दे। किशन ने बहुत मिन्नतें की लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने अपने दो नौकरों को बुलाया और पतीले को ले जाने का आदेश दिया। और इस तरह जमींदार जबरदस्ती किशन के पास से उस जादुई पतीले को ले गया। जमींदार एक लालची व्यक्ति था। उसने भी किशन की तरह ही उस पतीले में अपने सामान डाल डालकर उसे कई गुना बढ़ा लिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में रखे हुए सारे गहने मंगवाए और उस पतीले में डाल दिए और उनको कई गुना बढ़ा लिया, जिससे वह रातों रात बहुत अधिक अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर उस राज्य के राजा को लगी। पता लगने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने कहा, बेशक वह पतीला जमींदार के खेत से मिला है, लेकिन उसका खेत भी तो हमारे राज्य की सीमा में ही आता है, इसलिए इस राज्य की हर जमीन और हर वस्तु पर मेरा अधिकार है। तो हिसाब से वह पतीला जमींदार का नहीं बल्कि मेरा हुआ। तभी राजा ने अपने दो सैनिकों को आदेश दिया और जमींदार के घर से उस जादुई पतीले को अपने यहाँ मंगा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता हुआ देखकर राजा दंग रह गया और फिर उसने राजसी खजाने के सारे हीरे मोती और जवाहरात उस पतीले में डालकर कई गुना कर लिए। लेकिन राजा जमींदार से भी बहुत ज्यादा लालची था। उसने ऐसा करते करते गलती से खुद को ही उस पतीले में डाल दिया और देखते ही देखते उस पतीले में से बहुत सारे राजा निकलने लगे। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं इस राज्य का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा करते करते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर वहीं मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई उस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। उस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार सोचने लगे, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस मूर्ख राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही गंवा दी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरी शिक्षा कि हर सामान का इस्तेमाल हमें बहुत ही संभल कर समझदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बहुत ही हानिकारक होती है। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।